अगर लागत के ऊपर चलेगा तो फिर किसान खाएगा क्या, परिवार कैसे चलेगा उसका। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिस वजह से किसानों को दोहरी मार पड़ी है। पहली तो मौसम की मार और बची खुची कसर फसल ना बिकने से पूरी हो गई है। सरकार दावे कर रही है कि गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है, लेकिन जब हकीकत जानने के लिए किसान तक की टीम मंडी पहुंची तो पता चला कि सच्चाई दावों से कोसों दूर है। देखिए हरियाणा से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। कहाँ से आए हो? दुबड़गन से। अच्छा, सरसों लेके आए? सरसों लेके आए। सरसों को तो निकाली हुई है, 1 हफ्ता हो लिया। अभी मंडी में बेचने के लिए क्या कह रहे हैं? नमी बता रहे हैं, बोला गिल्ली है, बोला बहुत ज्यादा गिल्ली है, सुखाते रहो, घर पे भी सुखा ली 5 दिन। हाँ, नमी इसकी नहीं निकलेगी, जमींदार की निकल जाएगी। अब जमींदार मार में है, काफी लागत प्राप्त होगी, बहुत काफी। हाँ, तो सरकार यहाँ क्यों खरीद नहीं रही सरसों? कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, ना कोई मुआवजा मिलता, इसकी वहाँ पूरा नुकसान हो रहा है। किसान अपनी फसल बेचने गए तो ये कहकर लौटा दिया कि गेहूं में नमी की मात्रा ज्यादा है, यही हाल सरसों का भी है। किसानों का कहना है कि सरकार के सभी फसल खरीद के दावे खोखले हैं। आज गेहूं की खरीद को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी सरकारी एजेंसी गेहूं नहीं खरीद रही है, फसल में नमी का बहाना बनाकर वापस लौटा दिया जा रहा है। वहीं पिछले साल का भी मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, तो इस बार की बात तो छोड़ ही दो, इस बारे में अधिकारी का क्या कहना है आप भी सुनिए। हाँ, गेहूं की आवक जो आनी शुरू हो गई है, लगभग अब तक मंडी में 450 क्विंटल के आसपास गेहूं आ चुका है, बट हम यदि उनकी मॉइस्चर की बात करें तो अभी मॉइस्चर दिखा रहा है, तो अभी खरीद स्टार्ट नहीं हुई है। मैं भी कल या परसों हम खरीद स्टार्ट करवा देंगे। और सर, इसका कारण क्या है? ये बारिश वगैरह ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्या नाम है, अभी जो गेहूं है पूरी तरह से खेत में नहीं आया है, इसलिए उसके कारण जो अर्ली किसान जो काट लेता है उसमें मॉइस्चर दिखा रहा है। पिछली बार करीबन 40+ जो क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार का जो था एवरेज आई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट की, तो फिलहाल तो देखो सर्वे का जो उपायुक्त महोदय के निर्देश अनुसार DRO रेवेन्यू की ओर हमारी जो इकट्ठी टीम बनाई गई, फील्ड स्टाफ उसका सर्वे कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जिन जो बीमित किसान हैं उनके करीबन 3700 एप्लीकेशन आई गेहूं और सरसों की मिक्स, तो उनका भी सर्वे का काम चालू हो और 10 दिन के अंदर अंदर इसका सर्वे करके हम पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। अब अंबाला का हाल भी जान ही लीजिए, देखिए हमारे अंबाला के रिपोर्टर कमलप्रीत सभरवाल की ये खास रिपोर्ट। आज 7 दिन हो गए मंडी के अंदर गेहूं किसानों की 6000 क्विंटल के करीब गेहूँ यहाँ पड़ी है और सरकार की तरफ से उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं अब तक दिया गया। कल का जनाब मैं कणक लेके आया वा, इतने कोई सुनवाई नहीं, कोई भर्ती वास्ते कोई अधिकारी नहीं आया, सुक्का माल और सेक्रेटरी साहब से मैं बात करी, कोई बारदाना नहीं, कोई उपलब्ध नहीं। कुछ यही हाल पंजाब के खन्ना जिले का भी है, यहाँ अनाज मंडियां खाली पड़ी हुई हैं, जिसके चलते केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की एक टीम और FCI के अधिकारी खन्ना मंडी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने गेहूं के सैंपल लिए। अधिकारियों का कहना है कि टीम सैंपल रिपोर्ट के बाद ही कोई फैसला लेगी। वहीं अब ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, यहाँ खरीद तो शुरू हो गई है लेकिन किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर समर्थन मूल्य 2125 रुपए तय किया गया है, लेकिन किसानों का गेहूं 1800 से 2000 रुपए तक ही बिका है। देखिए हमारे संवाददाता नावेद जाफरी की रिपोर्ट। नुकसान है सर, हमारे खेती बाड़ी की लागत तो तकात नहीं हट पा रही है, किराए का भाड़ा लाके रहते दो दिन पड़ जाते हैं मंडियों में। कल रात शाम से आए सर, यहाँ से 10 बजे रात के आए, अभी तक नीलाम नहीं हुई है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें कम समर्थन मूल्य के समथिंग तो खरीदी जाए मंडी में। अगर लागत से कंपैरिजन करते हैं तो लागत तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको बेनिफिट तो नहीं हो रहा है ना। अगर लागत के ऊपर चलेगा तो फिर किसान खाएगा क्या, परिवार कैसे चलेगा उसका। कुल मिलाकर गेहूं और सरसों की खरीद कागजों में तो शुरू हो गई है, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए। किसानों की परेशानी जस की तस है,
पहले उन्हें बारिश और ओलों ने परेशान किया, अब वे उपज का सही दाम नहीं मिलने से परेशान हैं। ऐसे में किसानों का एक ही सवाल है, आखिर हमारी परेशानियों की कोई सुध लेने वाला है भी या नहीं।